नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय दृश्य लाइव दृश्य अपनी पार्टी के परिमिसिस में, परिसर में, जहां पर अभी फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम होगा। अल्ताफ बुखारी जो पार्टी के प्रधान है, वो इस समय पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और इनके समर्थक, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम रखा गया, जिसकी झलकियाँ हम साफ आपको यहाँ से बता रहे हैं। पार्टी के नेता सरदार मनजीत सिंह जी और भी अन्य जो यहाँ पर अन्य नेता मौजूद हैं, और अल्ताफ बुखारी जी और साथ साथ विक्रम मल्होत्रा भी, और पार्टी के और भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व के तौर पर और साथ ही साथ एक त्यौहार की मानद इसे मनाया जा रहा है। हर जगह सेलिब्रेशन, आपको देश के कोने कोने में सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी उनके जो कार्यालयों में जो इस तरह के आपको आज कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और अभी आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य। अल्ताफ बुखारी पार्टी प्रधान अपनी पार्टी के फ्लैग होस्टिंग पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उच्चकल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जल तरंगा तब शुभ्रा में जावे तब शुभ्राशिष मावे गाये सब्रजय गद गद जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बस बस बस, माइक पीछे रखना थोड़े से, ठीक है, माइक नीचे रखना जी। अल्ताफ सर, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के उपलक्ष्य में? मैं पहले तो लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस 73rd रिपब्लिक डे पे। जैसा हम सबको मालूम है, ये वो दिन है जिसने इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि अगला जो रिपब्लिक डे होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की भी अपनी चुनी हुई सरकार होगी, जो लोगों के मसाइल और लोगों की उमंग के मुताबिक काम करेगी। बुखारी साहब, 3 साल हो गए, राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला। हाँ, ये बात तो सही है, और मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, शायद और क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, अपनी पार्टी का तो ये कोर एजेंडा है, लैंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जॉब्स एंड स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इंशाल्लाह। हाल ही में अमित शाह ने कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है, पहले चुनाव होंगे उसके बाद जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि राज्य का दर्जा पहले मिल जाए, तो अपनी पार्टी कैसे देखती? देखिए, मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर के सभी लोगों का ये मानना है कि पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होनी चाहिए। तो हम तो सब लोग, जम्मू कश्मीर के लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्टोर हो जाए, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए।
दोनों चीज़ें चाहते हैं, इसलिए आइडियली तो अच्छी सिचुएशन होती कि पहले मिल जाए। कुछ नेता तो ये भी कह रहे थे कि जब तक राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बहुत दूर उनकी चुनी हुई सरकार से रख सकते हैं। वो तो नाइंसाफ़ी होगी लोगों के साथ, और वैसा करना मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है। लोगों को चुनी हुई सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से आपको उम्मीद है कि इलेक्शन नए वर्ष में होंगे, आपको ये पूरी उम्मीद लग रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कह रही है? देखिए, ज़िंदगी तो वैसे ही उम्मीद पे चलती है, और हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादा ही आदत है, हम तो ज़्यादा ही उम्मीद पे ही चलते हैं। तो इसलिए ज़रूर हमें लगता है कि चुनाव होंगे, और क्यों नहीं हो, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई डिक्टेटरशिप है इस मुल्क में। वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक इंडिया, एंड टू कीप पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अवे फ्रॉम इट इज़ नॉट वेरी गुड। लाल किले के प्राचीर पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है वो लगने जा रहा है, उस पर क्या कहना? अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ मुल्क के जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया है, और जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को जो आज हम देख रहे हैं उसको शेप देने में, इसमें क्या, सम्मान देना तो हमारा परंपरा है, और अगर उसमें एक और कदावर नेता को सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि बाकी लोगों का हम सम्मान नहीं करते हैं। हम सब लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने आज़ादी की उस जंग में, जो दुनिया में एक मिसाल है, पुरामन आज़ादी अगर किसी मुल्क ने, इतने बड़े मुल्क ने दुनिया में पाई है, तो हम ही लोगों को वो श्रेय जाता है। तो इसलिए हमें तो गौरव है कि हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जहां हमारे पुरखों, जो हमारे लीडर थे, उन्होंने एक मिसाल रखी है दुनिया के लिए। अल्ताफ सर, आपने बात की उम्मीद पे, आपने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो जनता भी कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों से उम्मीद रखती है। अपनी पार्टी किस तरह से आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी? सर देखिए, हमारी पार्टी जैसे आप सब लोग जानते हैं 20 महीने पुरानी पार्टी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि हमें सब सदियों हुए हैं, या हम तो कम अज़ कम उनमें नहीं आते हैं जिनको सदियाँ या कई साल भी हुए हों। लेकिन एक नई पार्टी जिसमें बिल्कुल नौजवान ही आप ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, सीनियर मिक्स ऑफ ओल्ड लीडरशिप इज़ ऑल्सो देयर, मुझे लगता है कि आने वाले जो भी सरकार होगी, या इस यूटी की जो भी सियासत है, अपनी पार्टी का एक अहम रोल है, उसको कोई कम नहीं कर सकता है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हम लोग उस वक्त सामने आए जिस वक्त उम्मीदें लोगों को ज़रा भर भी नहीं थी। ट्रेडिशनल सियासतदान, ट्रेडिशनल पार्टियां घरों में बैठी थी, लोगों के मुश्किलात तो घरों में नहीं थे, लोगों के मुश्किलात तो थे। एक नई सोच के साथ हम लोग आए, एक नई सियासत जिसे सच की सियासत कहते हैं। सच की सियासत का मतलब है कि सीधा स्ट्रेट, डेवलपमेंट इज़ द एजेंडा, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट दैट इन दिस कंट्री, पॉलिटिक्स इज़ अबाउट डेवलपमेंट, इट इज़ नॉट, जो भी स्टेट की या यूटी की गवर्नमेंट्स बनती है वो सब डेवलपमेंट के लिए होती हैं, और कोई इमोशनल सियासत नहीं करते हैं। और हमारा ईमान है ये कि जम्मू और कश्मीर को कट्ठे चलना है, कट्ठे रहना है। हमारी सांझे दिक्कतें, सांझे मुश्किलात हैं, ठीक है, कुछ मसले हैं, हो सकते हैं, हाँ, जम्मू कोई चीज़ जम्मू को पसंद हो, कश्मीर को नहीं पसंद हो, यही तो हम जैसे लोगों का काम है कि हम बैलेंस करें उस चीज़ को, लोगों की उमंगों को बैलेंस करें, और लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाएँ। मुझे लगता है हमारी पार्टी का एक अहम रोल होगा। और मैं आपको ये भी बता दूँगा, कोई भी जो आगे की यहाँ राजनीति होगी, उसमें जितना बड़ा रोल इस पार्टी का होगा, इतना किसी और का नहीं होगा। सर, बड़े यकीन से कह रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल 100% यकीन से कहता हूँ। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एम्पावर करना तो अच्छी बात है, अगर करेंगे ऐलान से ही, अगर है तो ऐलान से तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हो जाए, क्यों नहीं, डेमोक्रेसी की असली रूह तो वही है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। रोष तो आप शहर में जाइए, गांव में जाइए, रोष तो आपको हर जगह मिलेगा, और रोष होने की वजह ही सबसे बड़ी ये है, क्योंकि
कोई अवामी सरकार नहीं है, लोगों के अपने नुमाइंदे नहीं हैं। जिस वक्त लोगों के अपने नुमाइंदे होंगे तो वो उनके उमंगों की तर्जुमानी खुद ब खुद हो जाएगी, तो आक्रोश में भी कमी देखेंगे। सर आपने कहा कि पार्टी नहीं है, पर आप जैसे कदावर नेता तो पुराने हैं ना सर। नहीं, हम यही के कहते हैं कि हम कदावर हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम खिदमतगार लोगों के हैं और करते रहे हैं, और वही तो हमारी, अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं उसी को तो बेस बना के जा रहे हैं कि जब हमने कोई खिदमत की है, इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि लोग हमें एक अच्छा ताउन दे देंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे की जनता में युवा चाहती है, एक बदलाव चाहती है। युवा ही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए आपने सवाल किया, सबसे बड़ा चैलेंज युवा है, कोई भी सरकार जो आएगी चैलेंज युवा है। कैसे हम चैनलाइज इनकी एनर्जीज को करें, कैसे हम इन लोगों को, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख रहे हैं हाईएस्ट इन इंडिया, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती है। सो हमसे ज़्यादा कौन, मैं बताता हूँ, आई मैंने एंटरप्रेनर, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, यही तो हमारी यूएसपी है। मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता जो यहाँ किसी भी दल का हो, लीडर हो या कोई भी, किसी के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे, हमें पता है कि हाउ टू बिकम एम्प्लॉयर्स, तो वही तो हमारी प्लस पॉइंट है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब बोल रहे 5 लाख नौकरी दी जाएगी इलेक्शन से पहले। देखिए मैं होम मिनिस्टर साहब के ना स्टेटमेंट को नकारूंगा और ना स्वीकार करूंगा तब तक जब तक सामने 5 लाख नौकरियां ना मिले। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 5 लाख नौकरियां ही, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे 12 लाख पढ़े लिखे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसलिए हम ना, मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री है कि जिसमें लोग एब्जॉर्ब किए जाएँ, न सरकार में ऐसी कैपेसिटी है कि जहाँ सब लोगों को एब्जॉर्ब किया जाए। सो वी विल हैव टू हैव एन इनोवेटिव आइडिया वेयर मोस्ट ऑफ देम बिकम एम्प्लॉयर्स। सर 61,000 डेली वेजर्स क्या एसपीओ, बदकिस्मती है क्या, उन बेचारों की बात आज आप कर रहे हैं, आज के दिन भी मुझे दुख हो रहा है कि आज भी हमें उनके लिए दुहार लगानी है। मैं दुहार ही लगा सकता हूँ, क्यों इस वक्त की सरकार से दुहार ही लगाएंगे, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है कि भैया इन लोगों का तो डिसीजन हो चुका है 2018 में, 1 महीने में इनको परमानेंट करना था, कर लो, क्यों नहीं करते हो, कुछ तो रिटायरमेंट पे आ गए हैं। आए दिन आप देखते हैं बिजली के मुलाजमीन पोल पे से गिर जाता है, उसके लिए चंदा लोग करते हैं, सरकार कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं, देखिए ये तो है, और हमें बड़ा अगर आपको मौका देती है, आपकी पार्टी को मौका देती है, क्या जो मुद्दे हैं डेली वेजर्स के, एसपीओस के, होम गार्ड के, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स है, रेबरी खेल के सर काफी सारे हैं सर, डेंटल सर्जन की पोस्ट अभी तक एडवर्टीज नहीं हुए हैं, तो क्या उन सारे मुद्दों पर आप आश्वासन दिलवाते हैं कि अपनी पार्टी उन मुद्दों को हल करने में मदद करेगी? देखिए न हल करने का तो सवाल ही नहीं, ये वो मसले हैं जिनको आप अब खटाई में नहीं छोड़ सकते हैं, ये वारंट करते हैं इमीडिएट अटेंशन, और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी चाहिए कि प्रायोरिटी पे इनको मसलों को अटेंड करें। और ये कोई नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये क्या मसला है, 60,000 लोगों को एब्जॉर्व कर रहा है जो ऑलरेडी काम चला रहे हैं, पीएचई आपका उसी पे चलता है, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज उसी पे चलते हैं, एनएचआर आरएम वाले हैं उनको एम्प्लॉय ये कर लो, आपके डेंटल डॉक्टर्स हैं, बहुत क्लिनिक आपके खाली हैं, पीएचसीज खाली हैं, अगर कोई नहीं है जो जहां बीयूएमएस को लगाते हैं वहां डेंटल को भी लगा लो, इसमें क्या पढ़ा तो उन्होंने भी है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो वो भी काम आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ आप पोस्ट निकाल दो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन 48% का कट ऑफ लगाती है डॉक्टर सेलेक्ट करने में, थोड़ा सा और नीचे जाएं 40 पे, शायद 700 और सेलेक्ट हो जाएंगे, बी ग्रेड सर्जन के पोस्ट खाली हैं, ये तो प्रायोरिटी सेक्टर हैं। और आप जब देखेंगे जिस वक्त भी हमारी सरकार आएगी, प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी या ये जो आपके रोड्स, बिल्डिंग्स, यही तो हैं। आपको मालूम है हमने पहले भी बताया है कि हम एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जिसमें कोई किसी को, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी हमारा, बिजली हम बनाते हैं और हमें कहते हैं ये बिजली चोर है, तो ठीक है लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, गिव देम फ्री, वी विल गिव 500 यूनिट्स इन समर हेयर फ्री, 500 इन कश्मीर फ्री, बाकी 300 यूनिट फ्री दे देंगे। हमने कहा है ओल्ड एज पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल पेंशन, क्यों वो हमारी सोसाइटी, वो हमारी इज्जत है, हमारे बुजुर्ग हमारी इज्जत है, अगर हम उनको नहीं ये कर सकेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे।
सर एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, ये भी जनता का सवाल है कि जिस तरह से सियासी पार्टियों से जो हमारे अस्थाई कर्मचारी आम जनता उम्मीद रखती है, भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जब केंद्र में अगर सरकार आती है तो सबसे पहले उनके मुद्दे को हल किया जाएगा, उनके मसले को हल किया गया। आज उन्हीं भाजपा के नेताओं से जब हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं ये विपक्षी जो बाकी पार्टी हैं, जो पहली पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी जो कहीं ना कहीं पाप का जो घंटी वो हमारे गले बांध दी। देखिए मैं बारे में क्या, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा 3 साल पीडीपी के साथ सरकार में रही, आज 3.5 साल से वही सरकार चला रहे हैं, अब उनको शर्म आनी चाहिए ये एक्सक्यूज देते हुए। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम उस सरकार में थे जिसमें भाजपा थी, एक डिसीजन हुआ कैबिनेट में कि 1 महीने में, वो ये था मई में हुआ था डिसीजन कि 1 जून के महीने एंड तक सबको कन्फर्म किया जाएगा डेली वेजर्स को, और ऐसे ही कुछ और मुद्दे थे। 18 जून को 2018 को सरकार गई, तब से डायरेक्टली भाजपा रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो भाजपा का रूल है, और कैसे वो बोल रहे हैं आज आप भी उनको उन नहीं, आज ही नहीं, हमारी सियासत ही सच की है, हमारी सियासत ही सच की है। हम तो यही कहते हैं लोगों से, खबरदार रहो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन सब से खबरदार रहो, इन सब से धोखा खाया है, एक ही जमात है, अपनी पार्टी वोट करो, हम लोग आपको सच जो कहेंगे वही करके दिखाएंगे। ऑन कैमरा इस समय आपकी बातें सारी जनता बिल्कुल जो कह रहे हैं हाँ, वही करके दिखाएंगे। कल को आपकी पार्टी भी ना पुरानी सरकारों का पाप है जो हमारे गले बढ़ गया। बुखारी का यूएसपी है, जो कहता है वो करता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों साफ तौर पर हमने आपको बताया इस समय अपनी पार्टी के ऑफिस के दृश्य, जहां पर आज फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम था जो 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, और हमने इनसे सवाल भी किए, क्योंकि बार बार हम वही सवाल दोहराते हैं, क्योंकि जितने भी नेतागण हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या कोई भी पार्टी के हो, हमारी ड्यूटी बनती है एसपीओस के मुद्दों को, डेली वेजर्स के मुद्दों को, होमगार्ड्स के मुद्दों को, जो 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर लगातार 4 साल से जिन्होंने इतनी बड़ी एजुकेशन लड़ी, और साथ ही डेंटल सर्जन्स की अभी तक पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है, जो हमारे ध्यान में आता है हमने उनके लिए पूछा। पर अल्ताफ बुखारी जी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा सरकार को जिन्होंने वायदा किया था कि सबसे पहले केंद्र में सरकार अगर आती है तो हम डेली वेजर्स के मुद्दों को हल करेंगे, पर कहीं ना कहीं आज वो तर्क पेश करते हैं कि ये पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है जो हमारे गले मर दी गई है। अब ये कहना है इनका कि आने वाले समय में अगर जनता इनको मौका देती है, उन सारे मुद्दों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर हल किया जाएगा। चलिए वो तो समय आने पर पता चलेगा कि हल होते हैं नहीं। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।